रफाल को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर तेज होता जा रहा है। जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चौकीदार को चोर बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता भी राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने से पीछे नहीं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को बेशर्म बताया, साथ ही वाड्रा कनेक्शन के बहाने बीजेपी का बचाव करने की कोशिश की। वार पलटवार के इस खेल में निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल शुरू हो गया है और किसी भी पार्टी को इसकी चिंता भी नहीं दिख रही। रफाल लड़ाकू विमान से देश में कांग्रेस और बीजेपी में लड़ाई तेज होती जा रही है। कांग्रेस के आरोपों से बौखलाई बीजेपी ने बचाव में प्रवक्ताओं की फौज उतार दी। कई मंत्रियों ने भी कांग्रेस पर हमला करने की कमान संभाल ली, लेकिन इन सबके बीच रफाल पर पीएम बोलने को तैयार नहीं। यही चुप्पी कांग्रेस को बार बार बोलने का मौका दे रही है। पीएम की इसी खामोशी पर राहुल गांधी ने तो चौकीदार को चोर तक बता दिया। इस चोर वाले बयान पर भी पीएम ने उफ तक नहीं की, लेकिन केंद्रीय मंत्री विवादित बयान जरूर दे बैठे। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को बेशर्म बताते हुए कहा कि राहुल गांधी जैसे बेशर्म और गैर जिम्मेदार व्यक्ति से क्या उम्मीद की जा सकती है। यहां तक कि उन्होंने पूरे गांधी परिवार को ही भ्रष्ट कह डाला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पूरे परिवार का इतिहास भ्रष्टाचार से भरा है। रविशंकर प्रसाद तो केवल गांधी परिवार को भ्रष्ट बता रहे थे, लेकिन प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो पाकिस्तान के बाद रफाल का सीधा कनेक्शन रॉबर्ट वाड्रा से ही निकाल दिया। उन्होंने कहा कि वाड्रा के दोस्त आर्म्स डीलर संजय भंडारी को इस सौदे से फायदा पहुंचाने के लिए राहुल ऐसे आरोप लगा रहे हैं। कल भी कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वाड्रा को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी। बीजेपी के इस वाड्रा कनेक्शन पर कांग्रेस ने भी उसे हकीकत का आईना दिखाया। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि खुद को बचाने के लिए बीजेपी अनाप शनाप आरोप लगा रही है। बीजेपी चाहे कितना भी बचने की कोशिश कर ले, वो बच नहीं पाएगी, क्योंकि इस जील को लेकर हमारे पास सबूत है। वही कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम की खामोशी पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान की आड़ में छिपने की बजाय उन्हें रफाल पर जवाब देना चाहिए। पीएम बताएं कि उन्होंने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को हटाकर एक निजी कंपनी को किस आधार पर ठेका दिया। रफाल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप की होड़ लग गई है। अब देखना होगा कि इस होड़ में किसके दावे सच और किसके झूठ साबित होते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।